हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टू डिजिट इनटू वन डिजिट, जिसका आंसर थ्री डिजिट्स में आता है। मगर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एबेकस का कोर्स करके बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन माइंड में ही विद इन सेकेंड्स कर पाए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग क्लासेस करके बचपन में ही गेम डेवलपर बने, तो हमारे इंस्टीट्यूट एवा एकेडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजिएगा। फोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम टू डिजिट इनटू वन डिजिट करते हैं, जिसका आंसर थ्री डिजिट्स में आता है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यही रूल आगे आपके कंप्लीट कोर्स में काम आएगा। फ्रेंड्स, यही रूल्स के बेसिस पे हम बड़े बड़े किसी भी नंबर का कैलकुलेशन फिंगर्स में विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। तो चलिए इन रूल्स को समझते हैं। फर्स्ट रूल है लर्न टेबल अप टू 9। हमें 9 तक की टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पहले की क्लास में भी सिखाया था। नेक्स्ट, टेक नंबर्स इन टू डिजिट। हमें नंबर्स को टू डिजिट में लेना है। अगर हमारा नंबर ऑलरेडी टू डिजिट में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हमारा नंबर वन डिजिट में आता है तो हमें आगे जीरो लगा के उसे टू डिजिट बनाना होता है। लाइक हमारा क्वेश्चन है 6 × 2, तो 6 × 2 = 12। ऑलरेडी ये 1 × 2 = 12 टू डिजिट में है, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन है 4 × 2 = 8, तो 8 वन डिजिट है, तो उसके आगे हमें जीरो लगा के उसे टू डिजिट बनाना होता है, यानी 0 8। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कैलकुलेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम कंप्लीट कोर्स में लेफ्ट टू राइट वाला मेथड यूज करने वाले हैं, यानी हम पहले लेफ्ट वाले सम्स को, पहले नंबर को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद वंस वाले, है ना, पहले 100 और टेंस को सॉल्व करेंगे, फिर वंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम इसे अच्छे से समझते हैं। पहला नंबर है 76 × 3। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1, 2, 3, इस क्वेश्चन में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर 3 डिजिट में आएगा। अंडरस्टूड? ये हमें माइंड में पहले से देख लेना है। फ्रेंड्स, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन में जितने नंबर्स होते हैं आप उन्हें काउंट कर लीजिए, आंसर आपका उतने ही डिजिट्स का आएगा, ठीक है। जैसे इसमें 1, 2, 3 नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर 3 डिजिट्स में आएगा। यानी हमें कहां से स्टार्ट करना है? हमें 100 से स्टार्ट करना है। अब हमारे स्टेप वन क्या है? पहले हमें लेफ्ट वाला यानी टेंस वाला नंबर सॉल्व करना है। 7 × 3 = 21, ये ऑलरेडी टू डिजिट में है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ 2 किस कहां बनाएंगे? 2 हम बनाएंगे हंड्रेड्स में और 1 हम बनाएंगे टेंस में। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे, 6 × 3 = 18, तो हम 1 कहां बनाएंगे? टेंस में, और 8 कहां बनाएंगे? वंस में। फ्रेंड, जैसे हम स्कूल में सॉल्व करते हैं, पहले हम वंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नंबर 2 डिजिट में आता है तो हम पहले टेंस और वंस में लिखते हैं नंबर, ठीक है। फिर जब हम टेंस के साथ कैलकुलेट करते हैं और नंबर अगर 2 डिजिट में आता है, तो हम हंड्रेड्स और टेंस में लिखते हैं। सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर हम हंड्रेड्स और टेंस में लिखेंगे, और उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर हम टेंस और वंस में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फिंगर्स में से समझते हैं। 7 × 3 = 21। अब 20 हमें कहां बनाना है? हंड्रेड्स प्लेस में, तो हमने 20 बना लिया। अब हमें 1 कहां पे बनाना है? टेंस प्लेस में, तो हमने 1 बना लिया, ठीक है। अब 6 × 3 = 18। अब 18, 1 कहां बनाना है हमें? टेंस प्लेस में, और 8 कहां बनाना है हमें? वंस प्लेस में, तो हमने वंस प्लेस में बना लिया। अब हम काउंट करेंगे, 100 200 200 10 20 20 5 6 7 8, 228 इज द आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हमारा फिंगर 1 और 100 दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी कंप्लीट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, 56 × 3। अब ये कितने नंबर्स का है? 1, 2, 3, 3 नंबर्स हैं इसमें, है ना। तो हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 100 से स्टार्ट होगा। 5 × 3 = 15, तो अब हमें यहां 1 कहां बनाना है? हंड्रेड्स में, और 5 कहां बनाना है? टेंस में। 6 × 3 = 18, अब हमें ये 1 कहां पे बनाना है? टेंस में,
और 8 कहाँ बनाना है, वंस में। अब हम काउंट करेंगे 150, 60, 65, 6, 7, 8, 168। नेक्स्ट 94 into 2, 9 2s are 18, ये ऑलरेडी 2। अच्छा पहले तो ये देखिए नंबर कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 3 नंबर्स है, यानी कि हमारा 100 से स्टार्ट होगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, 9 2s are 18, ऑलरेडी ये 2 डिजिट में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 1 हम कहाँ पे बनाएंगे, हंड्रेड्स में, और 8 हम कहाँ पे बनाएंगे, टेंस में। ओके, नाउ 4 2s are 8, अब 8 हमारा 1 डिजिट में है तो अब हमें इसके आगे 0 लगा करके इसे 2 डिजिट बनाना है, 0 8। ओके, अब हम ये 0 कहाँ बनाएंगे, टेंस में, और 8 कहाँ बनाएंगे, वंस में। ठीक है, नाउ कैलकुलेट 150, 60, 70, 80, 85, 6, 7, 8, 188 इज द आंसर। नेक्स्ट 23 into 4, अब ये कितने नंबर का है, 1, 2, 3, 3 नंबर है इसमें, यानी हमारा आंसर आएगा 3 डिजिट में, यानी 100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 4s are 8, अब यहाँ पे 8 आ गया, ये तो 1 डिजिट है तो हमें इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हम आगे 0 लगा के 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें 0 कहाँ बनाना है, 100 में बनाना है, यानी हमें 100 में कुछ भी नहीं बनाना, और 8 हमें कहाँ बनाना है, टेंस प्लेस में बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4s are 12, तो 12 हमें कहाँ पे बनाना है, 1 हमें बनाना है टेंस प्लेस में, और 2 हमें बनाना है वंस प्लेस में। ओके, अब काउंट करते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 92, 1, 2, 92 is the answer। I know friends, ये अभी बिल्कुल new concept है तो आपको tough लग रहा होगा, तो अभी आप कुछ time तक ये सारे steps के साथ इसे notebook में practice कीजिए, उसके बाद आप fingers में इसे solve करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप directly करेंगे तो कोई ना कोई step जरूर भूल सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, सेम मेथड फॉलो करके नोटबुक में आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप फिंगर्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे और एग्जांपल लेकर के आने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।